भोरंज विधानसभा क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल द्वारा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश सदस्य राजीव राणा ने की। कार्यक्रम में कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश प्रभारी राम विलास रावत व प्रदेश अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। प्रभारी राम विलास रावत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सूट बूट की सरकार ने आम जनता के चूल्हे तक डाका डाल भ्रष्टाचार किया है। आज देश में मोदी सरकार का गुंडाराज चला हुआ है। जहां भी इनकी सरकारें बनी उन राज्यों में लोग आर्थिक रूप से पिछड़ गए। आज देश में आरएसएस का खौफ आम जनता के बीच में है, परंतु इसका जवाब सिर्फ कांग्रेस से बदल ही दे सकता है। रावत ने कहा कि पूरे हिमाचल में उनका फोकस है और प्रदेश की चारों सीटें कांग्रेस से बदल की रडार पर हैं और आगामी लोकसभा चुनावों में इसका परिणाम कांग्रेस के पक्ष में होगा। साथ ही राजीव राणा को कार्यक्रम के सफल आयोजन पर बधाई भी दी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने भी संबोधित करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस सेवा दल सबसे सक्रिय संगठन है और आगामी लोकसभा चुनाव में सेवा दल की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। संगठन जी जान से पूरी ताकत झोंकने में सक्षम है। पूरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के प्रति माहौल लोगों में साफ नजर आ रहा है। भाजपा सरकार वो कोरा कागज बनकर रह गई है जिस पर भ्रष्टाचार की बहुत लंबी इबारत लिखी जा चुकी है। चाहे वह महंगाई हो, सुरक्षा विषय पर हुई घोटाले, कालाधन के नाम पर घोटाला, सहकारी योजनाओं के नाम पर घोटाला, आगामी लोकसभा चुनावों में जनता इसका जवाब देने वाली है। मैं आपको अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। अभी मेरे छोटे भाई पवन जी ने हमारे मंच के लिए हमारे लिए तालियां से स्वागत किया। मैं ये चाहता हूँ महिलाएं तालियां नहीं बजाएंगी, जो पुरुष बैठे हैं पुरुष महिलाओं के लिए तालियां बजाएंगे। जो जोरदार तालियां पीछे पुरुष वाली जितने हमारे जेंट्स रहते हैं तालियां बजाइए महिला मात्र शक्ति के लिए। इस सभा के मुख्य अतिथि श्री रामविलास रावत जी जो राष्ट्रीय सचिव है हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के, इनका छोटा सा परिचय मैं आपको दे दूं। ये उत्तराखंड ऋषिकेश के रहने वाले हैं और पिछले 10 वर्ष से वहां के कांग्रेस सेवा दल के प्रदेशीय अध्यक्ष रहे हैं और साथ ही साथ जब हमारी सरकार कांग्रेस की थी पिछली बार उत्तराखंड में। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजीव राणा ने कहा कि पार्टी से ऊपर कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। अगर पार्टी हाईकमान उन्हें कोई विशेष जिम्मेदारी देगी तो वह इसे पूरी लगन से निभाएंगे। राणा ने तीखे व्यंग्य से संबोधित कर जनता को बताया कि हमीरपुर धूमल परिवार की नब्ज जान चुकी है, अब भाजपा सांसद की दुकानदारी बंद होने वाली है। ये बात सांसद अनुराग ठाकुर भी जानते हैं और जो यहां समस्त विकास हुआ वो सिर्फ कांग्रेस की देन है। इस कार्यक्रम में प्रदेश स्तर से विशेष अतिथि नरेश लखनपाल, सुशील ठाकुर के साथ प्रेस सचिव हिमाचल प्रदेश गुरदास सुमन, प्रदेश सह संयोजक ज्योति खन्ना, प्रकाश महाजन, जिला संगठक मदनलाल कौंडल, संतोष कुमार, सतीश कुमार, सुनील कुमार, महेंद्र सिंह, उषा आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। जो आज आसाम का हम लोग पानी पी रहे हैं वो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है, कांग्रेस पार्टी की देन है। आज लोग परेशान हैं, आज लोग हमारे पास आते हैं कि जी क्या किया जाए। आज केंद्र सरकार से परेशान है, हमारे लोकल विधायकों से परेशान है। विकास के नाम में जीरो, सिर्फ गप्पे मारने में मुस्लिम ग्रस्त हैं। मेरी माता और बहनों, आज वक्त आ चुका है कि आप लोग जाने हमारे प्रभारी जी आए हैं या आप लोगों को संबोधित करेंगे। आज आगे की जानकारियां देंगे हमारे महेश जी बैठे हुए हैं। हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, मैं सेवा दल में बड़ा एक्सीडेंटली पहुंचा और शायद मैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के